गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। हम क्लास 11th के चैप्टर 5 को पढ़ रहे थे जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी, कुछ उसके ऑपरेशंस देखे थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 सॉल्व करने वाले हैं, राइट? सो 5.1 सॉल्व करते हैं, इसके कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रेस्ट ऑफ जो भी हैं इसमें आप ट्राई करिएगा खुद से भी। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवेन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा 5i इन अ ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट -3/5i। अब इसे हम पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा ये देखते हैं, रियल पार्ट ही मिलता है या केवल इमेजनरी पार्ट मिलता है या दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, रेस्ट होगा i इंटू रूट -3i। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 times i² और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। सो -3 into -1 दैट इज 3, करेक्ट। अब ये हमारा केवल रियल पार्ट आया, यानी कि ए पार्ट आया, बी आई बी पार्ट नहीं आया। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 + i 0, करेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पर हम यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे कि i² = -1 होता है इन अ ब्रैकेट, करेक्ट। सो कम टू पार्ट थर्ड, जो इसका थर्ड पार्ट है, लिखा हुआ है i^-39। अब i^-39 को हम ब्रेक कर सकते हैं लाइक, पहले तो अपॉन में कर लें, 1/i^-39, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम ब्रेक कर सकते हैं i×i^38, करेक्ट, i×i^38। नेक्स्ट इसको हम कर लिख सकते हैं i×i²^19, करेक्ट, 19, 92 या 38। सो अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर ऑड नंबर, मतलब -1 ही आने वाला है। सो 1/i×-1 = -1/i, करेक्ट। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, -i/i² एंड आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है फिर से -1, -i/-1 दैट इज ओनली i, ये क्या बचा, केवल i बचा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट यानी कि आई बी का पार्ट है। सो लिखेंगे 0+i, ये हमारा इसका सोल्यूशन हुआ, करेक्ट। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजली। और एक तरीका और भी है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी बन जाएगा इजली। सो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 8, आई थिंक 8th है या 7th है, इट्स 7th, राइट, 7th पार्ट है ये हमारा। और इसमें भी हमें इसे ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके हम सभी सिंबल्स एडजस्ट कर लेते हैं, 4+i/1/3, -- हो जाएगा +4/3, देन -i, करेक्ट। जितने भी हमारे रियल पार्ट हैं हम उनको एक साथ कर लेते हैं, 1/3 + 4 + 4/3 एंड हियर +i 7/3 + 1/3 -1, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3×1+12+4+i×1+7+1 -3/3, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा 16+17/3+i×8-5/3, ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ रहा है। सो अब इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 3 1/3 कॉमन ले लें, तो 1/3×17+i5 या 5i, जो भी कहिए, है ना, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमने कर दिया, समझ में आया। इसके जो भी रेस्ट क्वेश्चन हैं आप अपने से भी ट्राई करिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हमने यहाँ पर लिया हुआ है इनको बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 4 माइनस 3i है, इसको हम लेट कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3i। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। सो हमें 1/z फाइंड आउट करना है। लिखेंगे 1/4 माइनस 3i और इसके कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस प्लस। ठीक है, क्या बन जाएगा? 4 प्लस 3i अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आएगा। सो ए स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली ये बनकर आएगा हमारे पास 16 प्लस 9, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर माइनस 1 आई स्क्वायर की वैल्यू। देन द रिजल्ट इज 4 प्लस 3i अपॉन 25, 4/25 प्लस आई टाइम्स 3/25। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, ये कह सकते हैं सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। इसी तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से देखिए ध्यान से क्या करते हैं। लेट करेंगे जेड को 5 प्लस 3i, देन वी हैव टू फाइंड 1/z। सो 1/√5 प्लस 3i कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 3i, देन √5 माइनस 3i अपॉन √5 माइनस 3i। √5 माइनस 3i होल अपॉन ए स्क्वायर यानी 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 9। सो √5/14 माइनस 3/14i ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, रेस्ट जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज नंबर हमारा 5.1 है, आप इसे सॉल्व करिए। कहीं प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।